तो भाई काफ़ी इंतज़ार के बाद आज 3 साल बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम का आ गया है डेट। और मेरे जो एग्ज़ाम सेंटर लगाया है वो लखनऊ में लगाया है। काफ़ी इंतज़ार कराया इसने 3 साल। 2019 में मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, तब मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी इसे लेके, लेकिन अब तो इतनी खास तैयारी नहीं। लेकिन हाँ, मैं तब से ही लगा हुआ हूँ इसमें, नहीं लगा ग्रुप डी के लिए नहीं लगा, लेकिन मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने तैयारी करी थी। वो मैंने 2020 में दिया था, उसमें मैं 10 नंबर से रह गया था फाइनल मेरिट से, वरना आज मैं उसमें सिलेक्ट होता। और इसमें ग्रुप डी में देखे है क्या मिलता है, कितने इसमें मार्क्स स्कोर करा जाता है। वैसे मॉक टेस्ट जिस बंदे ने दिया है उसका मॉक टेस्ट में ग्रुप डी में और 50 नंबर जिस बंदे के आ रहे हैं तो उस बंदे का सिलेक्शन पक्का है। और मॉक टेस्ट भी जिसने उसका रोजगार भी तंगी तो वाला दिया है ना, उनमें 50 नंबर ला रहा जो बंदा उसका एग्ज़ाम क्लियर है इस बार, यूँ समझ लो। क्योंकि यार वे जो उनका जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा बहुत थोड़े लेवल से, जैसा ग्रुप डी का लेवल आ रहा उससे काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा। तो जो बंदा उसमें करने वाला तैयारी कर रहा रोजगार भी तंगी से और उनके मॉक टेस्ट दे रहा, उनका इस बार सिलेक्शन होना पक्का है। और भाई मेहनत तो मैंने भी बहुत कर रखी। देखते हैं, 19 तारीख में मिली डेट, लखनऊ चलना 19 तारीख में। रिजर्वेशन वगैरह करा लिया है, देखिए कैसा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम। तो मेहनत तो काफ़ी अच्छी कर रखी है मैंने भी, कोशिश यही रहेगी कि भाई अच्छा स्कोर करा जा सके। एक बंदा हो जाऊंगा यहीं से, मेरा दोस्त, उसके साथ ही जमा। बाकी फिर आप लोगों को जब भी आके बताया जाऊंगा एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम कैसा आ रहा, सही एग्ज़ाम कैसा आ रहा, बाकी लोगों की जो देखा जा रहा स्टूडेंट्स का रिव्यू जो देखा जा रहा, मैंने भी रिव्यू करे एक आधे यहाँ पे जाके। हमारे यहीं पे नज़दीक में ही एक SSC का सेंटर है, वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे मैंने भी रिव्यू करा। तो उनके जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें तो नॉर्मली है, बेसिक सा ही पूछा गया, ज़्यादा इतना हार्ड लेवल तो पूछा नहीं गया। लेकिन जो असलियत पता लगेगी वो तो खुद एग्ज़ाम दे के पता लगेगी कि कैसा एग्ज़ाम है और कितना स्कोर कर सका है। मैथ जैसा कि मुझे दिखा, मैंने लगा मुझे एनालिसिस करा मैंने, मैथ थोड़ा इजी लेवल का आ रहा और जो रीजनिंग है वो थोड़ा टाइम लेगी भाई। मुझे जैसा कि मुझे लग रहा कि रीजनिंग थोड़ी वो घुमा सके है, रीजनिंग में टाइम लेगी बढ़िया। और SSC की जो है भाई रीजनिंग, वो GK तो SSC किसी के पकड़ में नहीं आती। और 25 नंबर की GK आओगी तो उसमें से 15 अगर कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा वो भी। और जिस बंदा नेगेटिव मार्किंग काट के 50 से ऊपर हो गया किसी भी तरह, 55 या 60 के बीच में भी आ गया, समझो वो कोई ना कोई सी पोस्ट ले ही जाऊगा। और जो 60 नंबर ले आया वो तो बढ़िया वाली पोस्ट ले होगा ग्रुप डी की, जो टॉप वाली पोस्ट होगी वो उनमें से आऊगा। क्योंकि भाई अब के जो उपस्थिति है ग्रुप डी में वो बहुत कम है, 25% स्टूडेंट मान लो जो आ रहे, सारे एग्जाम सेंटर ऐसे खाली नहीं पड़ेगा, बिल्कुल खाली पड़े। और जो बंदे इतने 2019 में वैकेंसी आई थी या फॉर्म अप्लाई किए थे, तब से लाखों तो वैकेंसी आई गई उनमें लग लिए जो पढ़ने वाले बंदे थे। अब तो यही रह रहे सिर्फ जो अनपढ़ गए, मतलब हमारे जैसे ही गए, थोड़े चारे वीक गए पढ़ाई में, वही रह रहे। अब इनका ही नंबर आगा, वैकेंसी बहुत हैगी, स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही है, लेकिन कोई तैयारी करने वाले नहीं है कि सब भाई अपने कामों पर लगे हुए, ठा के फॉर्म डाल दें और ले लो वैकेंसी। उन्हें वैकेंसी नहीं मिलने वाली, उन्हें जॉब नहीं मिलने वाली भाई। जॉब तो उन्हीं बंदे को मिलेगी जो रेगुलर लगा पड़ा, भले ही वो थोड़ा पढ़ रहा लेकिन रेगुलर लगा हुआ उसे ही वैकेंसी मिलेगी। तो उससे क्या भाई, अब क्या ऊपर वाला हमारे पे बरस जा और थोड़ी बहुत हमें भी मिल जा। कोशिश तो ये रहेगी कि अच्छा पेपर हो सके। बाकी पेपर के बारे में तो जब भी बताया जाएगा। 17 तारीख में जाना है मुझे यहाँ से, 18 तारीख में जो दूसरा दोस्त जाऊगा मेरा उसका पेपर है, 19 में मेरा है सेकंड शिफ्ट में उस भाई का है, 18 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में। और ट्रेन की रिजर्वेशन हमने करा ली है नौचंदी एक्सप्रेस में, 17 तारीख में वो हमें यहाँ से 6 बजे से रिसीव करेगी। 6 बजे लेना हमें, 6 बजे ट्रेन में जाना और वो हमें वहाँ पे लखनऊ में उतारेगी यहाँ से। सुबह के 5 बजे का टाइम दिखा रही है वो, काफ़ी लंबा टाइम ले रही है वैसे, इतनी दूर है नहीं, 570 किलोमीटर समथिंग है यहाँ मुजफ्फरनगर से लखनऊ, लेकिन टाइम तो काफ़ी ले रही। चलो कोई बात नहीं, जितना भी ले रही है अपना
जाओगे इतनी दूर भाई, देखेंगे किस तरह, कोई वैसी पहले से तो इतनी तैयारी है नहीं कि भाई वहाँ किस किस तरह रहना, पर रूम राम देखिए वहाँ पे जाकर रूम में रहोगे 2 दिन रहना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि जो दूसरा दोस्त उसका भी 18 तारीख में और फिर मेरा 19 तारीख में, फिर 19 तारीख में ही हमने उधर की रिजर्वेशन करा रखी वापस आने की, तब रिजर्वेशन करा रखी उसकी, जब मैं जम्मा यहाँ से 17 तारीख में, उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ की, जम्मा में सब कुछ यहाँ से चलने की सारी रिकॉर्ड करूँगा मैं, और फिर वहाँ पर बच्चों का रिव्यू भी लेमा कि कैसा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम सेंटर दिखाऊँगा आप लोगों को अच्छे से, कैसा एग्ज़ाम आया वो भी बताऊँगा और अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा सब कुछ। बाकी अगर मेरा देखा जाए भाई, मैं लास्ट 4 साल से 2018 से तैयारी कर रहा इसकी कंपटीशन की, मैंने इसमें एक तो दिल्ली पुलिस का दिया था सबसे पहले एग्ज़ाम, उसमें मैं 10 नंबर से रह गया था फाइनल मेरिट से, और दूसरा फिर मैंने हरियाणा पुलिस कमांडो की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने दिया था फॉर्म, वहाँ पे मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था, फिर उन्होंने रेस के लिए बुलाया था, उसमें रेस में मैं रह गया था, रेस नहीं लग पाई थी मेरे से, क्योंकि रेस में जो मेरा टाइम दिया था उन्होंने वो तो सुबह के टाइम का दिया था, मुझे रनिंग करनी थी जब सुबह की, और वो फिर मेरी रनिंग हो पाई दोपहर में 12 बजे, और वो गर्मियों के दिन थे भाई, मार्च या जून के समय की बात थी, उस टाइम पर बहुत गर्मी पड़ रही थी, बस मेरी नहीं लग पाई रनिंग, और हो सका भाई मैंने उस टाइम पर 7 मिनट 7.5 मिनट दी थी उन्होंने रनिंग के लिए, हो सका मैंने मार भी दियो लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया था, अब भाई क्या पता क्या है, मैंने RTI वगैरह लगाई उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इसका डाटा नहीं आया रेस रास का, फिर वो उसकी मतलब यार फिर तो इतने झमेले गए कहाँ कहाँ, जिसका पहली बार आ गया मेरिट में ना वो हो गया, नहीं तो दुनिया भर के होते हैं भाई, किसी का कुछ नहीं होता। और भाई तुम्हें और जो इसके बारे में रिव्यू देना वो तो एग्ज़ाम दे के ही पता लगेगा, बाकी जिस बंदे ने गुरु उसका रोजगार विद अंकित का टेस्ट दिया है वो बंदा कहीं रुकने वाला नहीं, अगर उसके 50 नंबर रोजगार विद अंकित में आ रहे तो भाई वो सिलेक्शन पक्का ले होगा, क्योंकि रोजगार विद अंकित जो है ये ऐसे टेस्ट बनाते हैं, ग्रुप डी के ले लो इनके, या फिर आप यूपी पुलिस के ले लो, या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करा रहे उसकी ले लो, सब में भाई ये 4 स्टेप आगे का एग्ज़ाम वो दे रहे क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन पेपर बंदा हल कर रहा सही से बता रहा, जो अपना स्कोर अच्छे से ठीक स्कोर बता रहा वो बंदा सिलेक्शन ले लेगा बिल्कुल। और भाई बंदे कुछ ऐसे भी है जो उसके यूपी पुलिस के देखे मॉक टेस्ट मैंने भी दिया उसमें, उसमें बंदों के चार चार उसमें उनके 290 के समथिंग 280 थी इतना स्कोर हो पा रहा, लेकिन भाई हमारा तो इतना स्कोर हो मुझे पता नहीं, अब पता नहीं कि सच में उनका इतना स्कोर हो जा रहा है या नहीं होता है, आप फेंक दे बस अपनी बता रहे आगे की, या बराबर में गूगल बाबा धर रखा और उसमें से सर्च करके बता रहे जी के क्वेश्चन बाकी। लेकिन जो बंदा ठीक मेहनत कर रखी है, जिनने नॉर्मल भी मेहनत कर रखी है अपनी और पढ़ाई से लगवा, वो इस बार सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि इसमें इतना खास कंपटीशन नहीं, अब का लोग बाहर डरा रहे खामा खाम उनको भाई रिव्यू दे रहे इतने मेहनत कर रहे और हम कुछ नहीं आ रहे, जो बंदा 50-20 नंबर ला रहा ना नेगेटिव काट के वो इस बार सिलेक्शन पक्का ले लेगा। बाकी और सब तो भाई तुम्हें अगली वीडियो में बताऊँगा, मैं एग्ज़ाम देने के बाद बताऊँगा जब लखनऊ पहुँच जाऊँ वहाँ भी एक रिकॉर्डिंग करूँ वीडियो। चलिए ठीक है फिर मिल रहे हैं, ओके बाय।